शोलापुर टाउन में वो एक बड़ा कॉलोनी है, उसका नाम हाईटेक कॉलोनी है। उस कॉलोनी में सभी फैसिलिटीज है, स्कूल्स, लाइब्रेरी, हॉस्पिटल, सुपरमार्केट्स और सब कुछ है। उस सुंदर सा कॉलोनी में सभी एम्प्लॉयज और रिटायर्ड हुए बुजुर्ग बहुत ही कंफर्टेबल से जी रहे थे। इतने में कोरोना के वजह से गवर्नमेंट ने लॉकडाउन घोषित किया। एक दिन कॉलोनी के सेक्रेटरी प्रशांत और प्रेसिडेंट प्रदीप कॉलोनी के सभी रेजिडेंट से समावेश हुए। देश में कोरोना का व्याप्त को रोकने के लिए गवर्नमेंट ने लॉकडाउन घोषित किया, इसीलिए हमारे कॉलोनी से कोई भी बाहर नहीं निकले और बाहर के लोग अंदर ना आए। हमारा लक है कि सभी सदुपाय हमारे कॉलोनी में है, हमें बाहर जाने की अवसर नहीं है। रूल हम सब निभाएंगे, हमारे कॉलोनी के लोगों को हम कोरोना से बचाएंगे, हम सब मास्क पहनेंगे और सैनिटाइजर भी यूज करेंगे, कहकर वहां से चले गए। तब से सब लोग मास्क पहन के घरों में ही रह रहे हैं। सब्जियां, दूध आदि सभी नित्यावसर वस्तुएं सबके घर को सप्लाई हो रहे थे। कॉलोनी में लोगों की संचार न होने के वजह से सूना सूना लग रहा था। सब अपने अपने घरों में ही रह रहे थे, कोई भी बाहर नहीं निकल रहे थे। ऐसा कुछ दिन बीतने के बाद गवर्नमेंट ने कुछ शर्त के साथ लॉकडाउन को निकाल दिया। फिर सब लोग मास्क पहन के घर से निकलने लगे, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करते हुए दूर दूर से एक दूसरे के साथ बातचीत कर रहे थे। इतने दिन घर में रह रहे के कष्ट हुआ, ये महामारी का नाश कब होगा ये समझ में नहीं आ रहा है। ये सुन के प्रशांत ने कहा, हाँ आपने सच कहा, घर में रह रहे के डिप्रेशन आने जैसा है। सभी फैसिलिटीज रहने के बावजूद हमको पिक्चर देखने की कमी है। अब गवर्नमेंट ने थिएटर को भी बंद कर दिया, अब हम पिक्चर कैसे देख सकते हैं? अगर हम पिक्चर देखेंगे तो हमारा डिप्रेशन कम हो जाएगा। हाँ मुझे एक उपाय सूझ रहा है, अगर आप सबको पसंद आए तो उसे अमल करेंगे। तब प्रदीप ये सुन के, पहले वो उपाय क्या है बताइए, इसमें कहने की क्या बात है? अगर हम हमारे कॉलोनी में एक थिएटर बनाएंगे तो हमको कहीं भी कॉलोनी से बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कैसा है मेरा प्लान? आपका प्लान बहुत अच्छा है, हम ही अपने कॉलोनी वालों के लिए एक थिएटर बनवाएंगे, लेकिन थिएटर बनाने के लिए जगह कहाँ पर है? ये सुन के प्रशांत ने कहा, हमारे कॉलोनी में ही एक जगह ढूंढेंगे। कह के प्रशांत और उसके दोस्त मिलके जगह ढूंढते हुए पूरा कॉलोनी घूमे, परंतु कहीं भी जगह नहीं मिला। सब मिलके प्रदीप के पास आकर, हमने कॉलोनी में जगह के लिए ढूंढा लेकिन हमें कहीं भी जगह नहीं मिला। सभी बच्चे और बूढ़े सिनेमा न देखने की वजह से बहुत बोर हो रहे हैं, अब हम क्या करें? मेरे दिमाग में एक आइडिया है। बोलिए वो आइडिया क्या है? कोरोना की वजह से हमारे स्विमिंग पूल को कोई इस्तेमाल नहीं कर रहा है, उसमें कोई भी स्विमिंग नहीं कर रहा है और कुछ दिनों तक नहीं करेंगे, इसीलिए उस पानी में तैरने वाले एक थिएटर को बनाएंगे। बोलिए आइडिया कैसा है? आपका आइडिया बहुत अच्छा है, कल ही हम काम शुरू करेंगे, कल आप सब स्विमिंग पूल के पास आ जाइए। अगले दिन सब कॉलोनी के लोग स्विमिंग पूल के पास आकर लकड़ी से थिएटर बनाना शुरू किए। 5 दिन में उसका निर्माण पूरा हुआ। स्विमिंग पूल में तैरता हुआ थिएटर को देख के सब लोग बहुत खुश हो गए। कॉलोनी के बच्चे और बड़े खुशी खुशी से थिएटर के अंदर जा रहे थे। तब प्रशांत ने प्रदीप से कहा, आपका आइडिया सुपर है भाई, लोगों को मनोरंजित करके उनका डिप्रेशन दूर कर दिया है आपने। तब प्रदीप ने खुशी से कहा, ये सब हमारे कृषि का फल है, लेकिन सबको सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करवाना हमारी जिम्मेदारी है। जरूर भाई, इसकी जिम्मेदारी हम लेकर सबको सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करवा के पिक्चर दिखाएंगे। एक गांव में दस्तागिरी नाम का एक मछुआरा हुआ करता था। दस्तागिरी पूरी जिंदगी मेहनत से कमाए पैसों से एक छोटा घर बनवाया था। पत्नी स्वरूपा और बेटा चंटी के साथ खुशी से वहां रहने लगा। उस गांव में वीरू नाम का एक गुंडा हुआ करता था। वीरू उस गांव में घर जमीन पर कब्जा कर लेता था। एक दिन वीरू अपने आदमियों के साथ दस्तागिरी के घर आया। इतने हिम्मत तुम्हें, मेरी घर पर ही घर बनाओगे? आपकी जगह क्या है सर, इस जगह को तो मैं खरीद कर रजिस्टर भी करवाया हूँ, चाहो तो वो रजिस्ट्रेशन के कागजात देख लो। क्या रजिस्ट्रेशन के कागजात?
वो तो मेरे पास भी है रे। कहते हुए पेपर्स दिखाया। दस्तागिरी दंग रह गया। तुम लोग तुरंत घर खाली करके नहीं गए तो जब तुम लोग नींद में रहोगे इस घर को जला दूंगा, तब तुम लोग अच्छे से इसी घर में ही समाधि पा लेना। इस कारण दस्तागिरी का परिवार घर खाली करके सामान लेकर एक पेड़ के नीचे थे। दस्तागिरी स्वरूपा से, सब खत्म हो गया, सब हो गया। इतने समय जो मेहनत की वो पूरी चीज पानी में फेर गया। कम से कम एक झोपड़ी बनाने के लिए एक गज की जमीन तक हम नहीं खरीद सकते। आप फिक्र मत कीजिए जी, कोई एक घर भाड़े पर ले लेंगे। खास घर की किस्मत भगवान ने हमें नहीं दी, क्या करें अब। बिना जगह के भी घर बनवा सकते हैं मम्मी। कहते हुए दस्तागिरी से, डैडी हम बोट पर घर बनाते हैं, पानी तो किसी का नहीं होगा ना, तो कोई हमसे नहीं पूछेगा। और इसी तरह आप लोग भी हर दिन घर पर ही रहकर मछलियां भी पकड़ सकते हैं। दस्तागिरी स्वरूपा चकित होकर एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। कुछ ही दिनों में दस्तागिरी बोट हाउस बनाया, उसी में रहकर मछलियां पकड़ने लगे। जब वो मछलियां पकड़ता था तो बीच में स्वरूपा कॉफी चाय नाश्ता इत्यादि लाकर देने लगी। ज्यादा समय मिल जाने से दस्तागिरी बहुत सारी मछलियां पकड़ लेता था, फिर उस बोट हाउस को समुन्द्र के किनारे लगा देता था। उन मछलियों को मार्केट में बेचता था। इस तरह वे लोग उस बोट हाउस में खुशी से जीने लगे। दस्तागिरी स्वरूपा चंटी को हर दिन शाबाशी देते थे। एक दिन उस गांव में एक बहुत बड़ा भूकंप आ गया। आश्चर्य की बात तो ये थी कि सिर्फ एक वीरू का घर ही टूट गया था। वो देखकर गांव वाले, इसके कर्म की वजह से ही इसको सही सबक मिला है, सोचे। वीरू के परिवार वालों को उस गांव में किसी ने सहारा नहीं दिया। इसकी वजह से वीरू अपने पत्नी बच्चे के साथ एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। इतने में दस्तागिरी वहां आया। सर, बिचारी बहन जी और बच्चे ये धूप बारिश बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। आप जब तक वापस घर नहीं बना लेते, आप मेरे घर पर रह जाइए और कुछ मत सोचिए। आइए सर। दस्तागिरी उन्हें अपने बोट हाउस पर ले आया। स्वरूपा उन्हें बढ़िया खाना खिलाई। इस तरह वीरू के परिवार वाले 3 महीनों के करीब उसी बोट हाउस पर थे। वीरू ने फिर से घर बनवाया। वीरू ने दस्तागिरी के आगे हाथ जोड़कर, मैंने तुम्हें धोखा दिया, फिर भी तुमने मेरे परिवार को अपने घर की छत दी। घर एक इंसान के लिए कितना महत्वपूर्ण है, ये बात मुझे अब समझ आ गई। इतना समय मैंने कई पाप किए हैं, इसलिए तुम्हारा घर लौटा रहा हूँ। और जिसके भी मैंने घर और जमीन छीनी है उन्हें भी वापस कर रहा हूँ। अब से मैं ईमानदारी से जिंदगी जीऊंगा। दस्तागिरी के साथ साथ दूसरे गाँव वाले भी बहुत खुश हुए। फिर दस्तागिरी अपने खुद के खास घर में लौट आया, लेकिन मछलियाँ पकड़ने वो पूरा परिवार साथ मिलकर वही बोट हाउस पर ही जाते थे।